हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप लोग देखिए ये कितना सुंदर फैब्रिक है और आज हम बनाने वाले हैं इस फैब्रिक का सूट। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है फैब्रिक। तो चलिए हम इसका सबसे पहले अस्तर ले लेते हैं। अस्तर हमारा 2 मीटर है एंड हमारा वो फैब्रिक 2.25 मीटर है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम इसका नाप ले लेंगे जिस नाप का हमें सूट बनाना है। बहुत ही खूबसूरत सूट बनेगा गाइस, बस आप पूरी वीडियो देखिए। इस तरीके से हम बिछा देंगे। हमें सिर्फ यहाँ पे वेस्ट और चेस्ट का नाप लेना है और शोल्डर का तो हम अपने आप से लगा लेंगे, फिर भी टिक लगा लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमें वेस्ट और चेस्ट का नाप लेना है। अब हटा दीजिए आप। अब आप अपने हिसाब से शोल्डर का नाप ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच का शोल्डर लूँगी क्योंकि मुझे स्लीव 3/4 बनानी है। अगर स्लीव छोटी बनानी होती तो मैं 6.5 इंच का लेती या फिर 6 इंच का लेती। और यहाँ पे हम आर्म होल पे टिक लगा लेंगे। तो हम 6.5 इंच लेंगे। सबसे पहले हम 1/2 इंच डाउन रखेंगे शोल्डर को, फिर वहाँ से हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और हम नेक रखेंगे आगे और पीछे के दोनों का 3 इंच का। तो नेक का तो हम निशाना भी लगा लेते हैं लेकिन कटिंग नहीं करेंगे। साढ़े छः या फिर 7 इंच का हम नेक रखने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लिया हमने। और चलिए अब हम गहराई देते हैं आर्म होल की। तो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है और 1 इंच पे। तो सबसे पहले हम 1.5 इंच वाला काटेंगे क्योंकि हम बैक और फ्रंट दोनों काट रहे हैं साथ में। और 2 इंच, 2-2 इंच का हम मार्जिन के लिए लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि उसमें छोटा चाक है। 12 इंच पे हम रखेंगे हिप को और वहाँ से हम निशान लगा देंगे और सीधा लाइन खींच देंगे स्ट्रेट। और आप मेज़र करके देख लीजिए कि आपके कुर्ती से कितना चौड़ा है। तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मोड़ने के लिए। चलिए अब हम कटिंग कर लेते हैं। गाइस, ये कुर्ती बहुत ही आसान तरीके से बनेगा और बहुत ही सिंपल एंड सोबर लगेगा। आप लोगों ने फैब्रिक तो देखा ही, कितना ज़्यादा खूबसूरत फैब्रिक है। वो हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा निशान लगा लेंगे। अब हम इस मेन फैब्रिक को बिछा देंगे 2 फोल्ड करके इस तरीके से। और इस पे हम अस्तर को बिछा देंगे। किसी एक पल्ले को आप उठा लीजिए और अच्छे से बिछा लीजिए और बिल्कुल उसी मेजर का काट लीजिए। इस तरीके से बहुत इजी रहता है गाइस, जिस तरीके से ब्लाउज की हम कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया। अब हम पल्ले अलग अलग कर देंगे, फ्रंट और बैक हम अलग अलग कर देंगे यहाँ पे। और फ्रंट पल्ले को हम ले लेंगे जिस पे हमने निशान लगाया था और मेन फैब्रिक और अस्तर को दोनों को मिला के रख लेंगे। और हम यहाँ पे आर्म होल में गहराई देंगे ताकि जो सिलवटें पड़ जाती हैं स्लीव में वो नहीं पड़ेंगी। तो इस तरीके से हमने 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है गहराई अंदर की तरफ और हम इस तरीके से कट कर लिए हैं। और हम इस तरीके से चारों तरफ से अस्तर को हम सिलाई मार लेंगे, चिपका लेंगे मेन फैब्रिक में। अब चलिए हम स्लीव को कट कर लेते हैं। तो स्लीव हमें चाहिए आर्म होल के लिए, हम लेंगे 9.5 इंच। 8 इंच हम मेन आर्म होल रखेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। तो 9.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 3 इंच यहाँ से लगा दीजिए निशान।
और 3 इंच इधर भी लगा दीजिए निशान, और दोनों को इस तरीके से जॉइंट कर दीजिए अंदर की तरफ। और हम देखिए इसकी लंबाई ले लेते हैं, लंबाई इसका बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो इसमें हम फैब्रिक जॉइंट करेंगे। तो इसी में सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे कि हमें कितना बॉटम की चौड़ाई चाहिए। तो हमें 6 इंच पे हमने निशान लगा दिया है और हम कट कर लेंगे। अब गाइस हमने बहुत ही सारी सूट, डिज़ाइनर सूट का मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप लोग देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं आप मेरे चैनल पे जाके, काफ़ी सारे हमने वीडियो अपलोड किए हैं। दुपट्टे से भी मैंने बनाया है, तो यहाँ पे देखिए हमने 1/2 इंच की गहराई दी है इसमें भी फ्रंट में। और चलिए यहाँ से जहाँ तक सिंपल है कपड़ा, यहाँ से हम कट कर लेते हैं इसे और इसमें ही हम जॉइंट करेंगे। तो जितना हमें कम पड़ा है, हमें 17 इंच का पूरा लंबाई लेनी है, तो इसकी चौड़ाई नाप लीजिए आगे की और इसकी भी कपड़े की चौड़ाई नाप लीजिए। तो हमें जितना कम पड़ा था मैंने उतना पूरा फैब्रिक ले लिया है। हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे कपड़े को और यहाँ पे हम जॉइंट करके देख लेंगे कि लंबाई इसकी कितनी आएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसमें जॉइंट करेंगे, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा गाइस, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ देखिए हम 17 इंच का लेंगे, तो ये पूरा 17 इंच का आ रहा है। तो चलिए अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट नेक के लिए हमने लिया है 7 इंच की लंबाई लिया है और 3 इंच का इसकी चौड़ाई ली है, इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। और फ्रंट में हम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने डिज़ाइन बना लिया है और 1/1 इंच की मार्जिन लेकर आप कट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं गाइस इस तरीके से हमारा कुछ फ्रंट नेक आएगा। और चलिए हम बैक नेक काट लेते हैं। तो बैक नेक के लिए हमने 3 इंच पे निशान लगा दिया है इसकी चौड़ाई का और लंबाई हमने 7.5 इंच लिया है और इधर भी हम 3 इंच पे निशान लगा देंगे और ऊपर हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। और इस तरीके से हम सिंपल सा राउंड नेक बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा गाइस। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे कपड़े ले लेंगे और उस पर हम इस तरीके से नेक की पट्टियों को बिछा देंगे बुकरम को और इसी के बराबर चारों तरफ से कटिंग कर लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो चलिए गाइस हमने इसमें आपको कटिंग बताया है और सूट कुछ इस तरीके से बनके रेडी हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये सूट की कटिंग और स्टिच करने के बाद इस तरीके से बना हुआ है। तो ये फ्रंट का है और चलिए हम बैक आपको दिखा देते हैं बैक से किस तरीके से दिखता है। तो बैक में हमने देखिए इस तरीके से राउंड नेक बनाया था और हमने छोटे छोटे इसमें इसी फैब्रिक का लटकन बना के लगा दिया और ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और यहाँ पे 3/4 स्लीव, देखिए स्लीव में बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि हमने जॉइंट किया हुआ है और बहुत ही सुंदर बना है।